अरे वो चेक करो जी, कबोटा मशीन पराली बनाने वाले साढ़े पाकिस्तान चलती पी जे, जेडे किसान परेशान है कि वाढे सानू लभदे नहीं है, पड़ोला मशीन पराली नहीं बनाती, तो असी हुण मुंजी फिर पड़ोले मजबूरी ने बनानी पैंदी, पराली वाढे नहीं लभदे, उन्हें परेशानी हुण खत्म हो गई, आली कबोटा मशीन लै वो पराली बनाती है बड़े अच्छे तरीके नाल, ते इहदा केरा भी नहीं जिहड़ा करदी, ते बड़े अच्छे तरीके ने मुंजी वाढदी जे। साडे किसान बड़ी जल्दी हुंदी कि मैं फसल वड्डा अगली फसल काश करनी हुंदी, तो वड जिथे नहीं ना लभदे आली मशीन फरा लवो, तुहाडी मैंने मुंजी अच्छे तरीके ने वड्डे दी, मार्केट विच रेट भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुंजी साफ कटदी है, पराली भी नाल पिछे तह लाई जाती खिलारी जाती है, तो किसान मुश्किलों तो आसान हल हो गई। हम तो इंडिया को कमेंट दसना आया कि इंडिया के इस तरह मशीन कबोटा चलदियाँ पियां या नहीं चलदी पियां, साढ़े पाकिस्तान बड़ी मांग, बड़े किसान ना ये मशीन मगर फिरते हैं, किसानों ना दस दस दिन मगर फिरते रहते कुछ असी मशीन मुंजी बनाई है, क्योंकि एक इनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, कीरा नहीं करती, एक जड़ा इनका कीरा नहीं करती, एक मार्केट रेट बड़ा लगता है, मुंजी साफ कट दी है, तो भरोले भरोला जो होंगे ने ज़्यादातर जो मशीन ना भरोले वाली मेरे हिसाब ना वो कीरा बड़ा कर दी, किसानों को पता जो तो अगली बार वढ़ के मुंजी जाती है ना तो अगली फसल काश करने हैं तो बड़ी मुंजी उगी होंगी है सिर्फ कीरे की वजह तो। अगर आप चैन मशीन कबोटा पिला ला पराली बनाने वाली तो किसान मुंजी कीरे की नहीं हैगी, एक गलो ये फायदा किसानों का बड़ा बहुत ज़्यादा फायदा है, तो किसान परेशानी खत्म हो जाए दूर हो जाए यदि, तो अगर किसानों मशीन लै वो अपनी पराली बनाने वाली तो पराली वाधू हो जाए यदि, तो हम इन 300 लीटर तकरीबन रेट से साढ़ा तो 14-15 हज़ार किले का लेंदे सन, तो जी हार्वेस्टर मशीन है वो ली 300 लीटर हिसाब न 8-9 हज़ार तकरीबन अद्धो अद्ध रेट का फर्क है, या तो थोड़ा ज़्यादा कर लवो, लेकिन मार्केट से रेट भी ज़्यादा है, तो पड़ोला मशीन हार्वेस्टर वो डिग्गी भी चुक लेंदी है, तो जी कबोटा मशीन है डिग्गी नहीं चुकती तो नुकसान कर दी है, कबोटा सिर्फ खली मुंजी होवे ना उन्दे वास्ते बड़ी अच्छी मशीन है, किसानों को चाहिए कि जे मशीन ले आउण ते अपनी मुश्किलात हल करन, साडे पाकिस्तान दे विच बहुत ज़्यादा मशीन चलदियां पईयां, किसानां दी परेशानी हुण दूर हो गई है, तो हुण तो कमेंट दसना आया कि इंडिया दे विच इस तरह मशीन चलदियां पईयां ने या नहीं चलदियां पईयां, इंडिया दा किसान है वो अपनी जी फसल है वो जी कटाई वो किस तरह करता है, आया कि वाढे ना करवाता है मशीन ना करवाता या कबोटा मशीन दे ना करवाता है, ओके तुहानू ही पता है जिमीदारां नू ज़्यादा पता हुंदा कि जिहड़ी पड़ोला मशीन है ज़्यादातर वो कीरा बड़ा कर दियां, क्यों कर दियां ना पुराने मॉडल दियां ने, तो एक उनका वो फायदा जिन्हें पराली नहीं ना चाहिए वो चल पड़ोला फरा लिया अच्छे मॉडल वाली, तो मैं ना इं अगर पड़ोला जो फराया करो जरा साफ सुथरा कटे मार्केट रेट भी लगे, ये ना तुम फरा लो तो बाद कुछ 5-10 माह थले केर किले केर जाए किले मगर कोई रेट घट जाए फायदा तो ना हो मशीन का, मैं बेस्ट ये नहीं है कि 2-4-5 हज़ार किले मगर वाद पा लो तो आ मशीन ला लवो, जितने तुम 20-25 हज़ार किले मगर नुकसान करता किसान, 4 माह भी केरे 4-16-15-20 हज़ार बनता पे, तो 4 हज़ार रेट हो 5 हज़ार रेट हो 5-20 हज़ार बनता है, 20 हज़ार किले मेरा पड़ोला नुकसान करता अगर 5 माह केरे 4 माह से, तो किसानों चाहिए अच्छी